सो एवरी आरे पता है वीडियो एम्स टू मेक यू थोड़ा सा स्मार्टर, बट दिस वीडियो में वील एक्चुअली ट्राई टू टीच यू अ न्यू स्किल. हाय गाइस, दिस इज निपुण एंड आई एम अ प्रोफेशनल इलस्ट्रेटर एंड ऑल्सो वन थर्ड पार्ट ऑफ टीम अरे पता है. मैं हमारी बेस्ट नोटबुक ऑफ द वर्ल्ड आइनस्क्रिप्ट के लिए कॉमिक्स बना रही थी. सो एज प्रॉमिस्ड आई थॉट कि मैं आपको थोड़ी सी प्रोसेस दिखाऊं, बट मोर देन दैट आई थॉट आई शुड टीच यू हाउ टू मेक कॉमिक्स. वेरी बिगनर फ्रेंडली है गाइज, इवन इफ यू आर नॉट आर्टिस्ट यू विल अंडरस्टैंड दिस. यू जस्ट नीड पेन पेपर क्यूरियोसिटी एंड बाई द एंड ऑफ दिस वीडियो आप शायद छोटी सी एक कॉमिक्स भी बना पाओगे. ओ यस, एंड इस वीडियो में मैं अकेली हूँ, मेरे दो दोस्त इधर ऊपर, अगर उनकी फोटो आएगी शायद तो वो नहीं आने वाले. ओके, सो यू आर स्टक विथ मी एंड होपफुली दे विल डू अ कैमियो, आई डोंट नो, बट या ओके. सो स्टेप वन इज ऑल्सो सबसे बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ मेकिंग कॉमिक्स. आई विल टेल यू कि जितनी भी कॉमिक्स होती है ना, आप उसमें जब कैरेक्टर देखोगे तो वो सारे एग्जैक्टली सेम दिखते ही नहीं है, बट वो फिर भी सेम दिखते हैं, राइट? हम समझ पाते हैं कि ये इसने बोला, ये इसने बोला. सो हाउ डज दैट हैपन? तो हियर इज द सीक्रेट कि वो कैरेक्टर सेम कैसे दिखते हैं. वो सेम दिखते हैं एक छोटे से फीचर से. ये मैं समझाती हूँ हमारे आइनस्क्रिप्ट के कॉमिक्स के तीन कैरेक्टर्स के साथ. सो दिस इज मोमो, निपू एंड स्वैट. एंड इफ यू नोटिस कि इनके तीन बहुत डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं. सो मोमो फॉर एग्जाम्पल हैज कर्ली हेयर. अब मोमो इस तरह का भी दिखेगा तो भी आपको लगेगा कि हाँ ये मोमो ही है. स्वैट फॉर एग्जाम्पल हैज लॉन्ग हेयर एंड निपू हैज शॉर्ट हेयर एंड अ पॉइंटी नोज. एंड दैट इज लिटरली इट. मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगी कि कैसे ये कैरेक्टर अगर घूम भी जाएंगे ना तो भी आपको लगेगा कि ये सेम है, पर ये एग्जैक्टली सेम नहीं बने होंगे. सो दिस इज स्टेप वन ऑफ मेकिंग कोई भी कैरेक्टर. दो आंख, एक नाक, एक मुंह से काम नहीं चलेगा. हमें बस एक डिस्टिंक्ट फीचर देना है. कैन बी उसका स्पेक्स, कैन बी एक पॉइंटेड नोज, कैन बी लाल कलर के बाल, कैन बी बाल में से लट निकली हो. दैट्स इट. जस्ट थिंक ऑफ वन डिस्टिंक्ट फीचर एंड मैं बता रही हूँ आपका कैरेक्टर कभी पतला मोटा भी बनेगा ना तो भी सेम ही लगने वाला है. स्टेप टू इज टू मेक अ टर्न अराउंड. मतलब कैरेक्टर को सारे एंगल से बनाना, बट डोंट वरी, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. सो आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारा जो कैरेक्टर जो मैंने स्टेप वन में बोला वो सिमिलर लग भी रहा है कि नहीं हर एंगल से. सो हियर इज एन एग्जाम्पल. सो फॉर आइनस्क्रिप्ट माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर द कॉमिक्स इज दिस बुक. वन सेकेंड, लेट मी शो यू. इज दिस बुक विच इज अ ग्रेट नॉवल. आप सबने इसका नाम सुना होगा और ये सेपियंस की ग्राफिक नॉवल है. सो दिस हैज ग्रेट कॉमिक्स. आई डोंट नो मैं कैमरा पे कितनी दिखा पाऊंगी, बट यू कैन सी. सो इसमें बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं, बहुत अच्छी कॉमिक्स बनाई गई. शायद हम कुछ फोटोज दिखा पाएंगे यहाँ पे. एंड सेपियंस के जो ऑथर है, मैंने उनका ऐसे टर्न अराउंड बना के देखा था. मैं देख रही थी कि मैं ये बना पा रही हूँ कि नहीं, एंड दिस इज हाउ इट लुक्ड. अब आप इसे एकदम आर्टिस्ट वाली नज़रों से देखोगे ना तो फिर आपको लगेगा कि फर्स्ट में नाक छोटी है, सेकंड में नाक बड़ी है. थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस आपको, लाइक इफ यू प्ले 6 डिफरेंसेस तो इसमें सब में मिल जाएंगे. बट अगर मैं इसके ऊपर डायलॉग लिख दूंगी एंड यू नो इफ आई प्ले देम इन डिफरेंट सिचुएशंस, आप समझ जाओगे कि ये सेम ही ओवाल अंकल की बात हो रही है. सो विद दिस टू स्टेप्स यू आर एक्चुअली रेडी टू मेक योर कैरेक्टर्स. एंड नाउ लेट्स गेट इनटू मेकिंग द कॉमिक्स. एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि मैंने कभी कॉमिक्स, सो आई एम ए प्रोफेशनल इलस्ट्रेटर, बट मैंने सच कॉमिक्स नहीं बनाए. मेड डूडल्स, बट कॉमिक्स आई फील इज मोर अबाउट स्टोरी टेलिंग और वो स्टोरी उन कैरेक्टर्स से आप समझा पाओ. तो मैंने एक रफ सी, बड़ी ही रफ सी, बड़ी ही गंदी सी एक कॉमिक्स ऐसी बना के देखी थी. आई विल जस्ट शो यू हियर. इट्स लिटिल एम्बैरेसिंग, बट या आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई इफ आई एम एबल टू मेक मोमो, निपू एंड स्वैट. एंड दिस इज हाउ इट लुक्ड. द बर्निंग क्वेश्चन वॉज समथिंग रैंडम. बस ये मैंने ऐसे ही बना दी. बट यहाँ से मुझे ये बना के एक बहुत बड़ी लर्निंग मिली, विच इज़ स्टेप थ्री. सो हमारे कैरेक्टर्स बन गए, हमारा कैरेक्टर घूम गए हैं. नाउ द पॉइंट इज, एज आई टोल्ड यू, कॉमिक्स इज मोर अबाउट स्टोरी टेलिंग. अगर हमने स्टोरी अच्छे से नहीं लिखी और हम इमीडिएटली बनाने लगे ना तो चेंजेस करने में बड़ी दिक्कत होगी. लाइक यू टू चेंज पूरा का पूरा सीन जस्ट बिकॉज एक डायलॉग चेंज हो गया या कैरेक्टर का एक्सप्रेशन चेंज हो गया. सो इट्स लॉट ऑफ वर्क. सो दैट्स व्हेन आई फिगर्ड कि इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हम पहले स्क्रिप्ट एकदम अच्छे से पूरी वर्ड टू वर्ड फाइनलाइज कर लें, कौन सा डायलॉग किसका है ये फाइनलाइज कर लें, एंड देन वी स्टार्ट द कॉमिक्स. सो आई स्टार्टेड राइटिंग अ फ्यू स्क्रिप्ट्स, आई हैड अ फ्यू आइडियाज, बट आई नीडेड अ लिटिल हेल्प देयर. सो दैट्स व्हेन आई यूज्ड दिस गाइज हेल्प who's standing behind the camera, and I will invite him and he will actually come and tell us कि हम आइन स्क्रिप्ट में किस तरह की स्टोरीज लिखने जाते थे और हमने वो कैसे लिखी. सो मोहित, डू यू वांट टू जस्ट जॉइन हियर? लेट्स मेक स्पेस फॉर मोहित. द मोमो ऑफ आइन स्क्रिप्ट कॉमिक्स इज हियर. तो बात है स्टोरी की. तो स्टोरी राइटिंग के अंदर आई हैव लर्न वन थिंग
a very popular pattern just works. Act hmm. one, act two, act three. Hmm. तो एक स्टोरी कहीं से भी शुरू होके कहीं पे भी नहीं जा सकती. अ स्टोरी हैज टू बिगिन एट एक्ट वन विच इज कॉल्ड अ कॉन्फ्लिक्ट. तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि बंदा किसी चीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, कंफ्यूजन में है. एंड देन कम्स एक्ट टू. दिस कॉन्फ्लिक्ट शुड लीड दिस पर्सन टू गो ऑन अ जर्नी. ये जर्नी जरूरी नहीं फिजिकल हो, मेंटल भी हो सकती है, थॉट में भी हो सकती है. बट दिस पर्सन हैज टू गो ऑन अ जर्नी देन. एंड फाइनली इट विल लीड, दिस जर्नी विल लीड this character to act 3 which is resolution. तो अंत में वो resolve हो जाएगा जो शुरू में conflict था. and this makes a beautiful story. and ये three act format हमें world की हर अच्छी story में मिलेगा. हम mythology में चले जाएं या आजकल की Bollywood Hollywood movie में आ जाएं, act 1, act 2, act 3, this format always works. तो हमारी बारी में हमें स्टोरीज कुछ ऐसी लिखनी थी कि हम एक सवाल को एक रीडर के मन में डालकर छोड़ दें और वो सवाल लेकर अपनी लाइफ में जाए, गोज ऑन अ जर्नी. तो हम कैसे, हम क्या बीच में एक्ट टू पे छोड़ दें क्या? नॉट रियली. मतलब वो बीच में अधूरी लगने लगी. तो आइनस्क्रिप्ट की कॉमिक्स की स्टोरीज लिखते वक्त हमारा आइडिया ऐसा था कि हम एक्ट टू कॉन्फ्लिक्ट दिखाएंगे, कैरेक्टर इज इन सम कॉन्फ्लिक्ट. एक्ट टू हम जर्नी भी दिखाएंगे कि वो तीनों दोस्त कैसे बात कर रहे हैं अपने अपने उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, कैसे सॉल्यूशन निकाल रहे हैं. और एक एक्ट थ्री जहाँ पे हम रेजोल्यूशन दे रहे हैं बट नॉट रियली अ रेजोल्यूशन. हम पार्शियल रेजोल्यूशन दे रहे हैं, हम कुछ आइडियाज थ्रो कर रहे हैं ताकि एक्ट थ्री इज नॉट कम्प्लीट. एक्ट थ्री आपको कम्प्लीट करना है. आप उस कॉन्फ्लिक्ट को समझो, उस जर्नी को समझो, हमारे आधे रेजोल्यूशन को समझो एंड देन यू गो ऑन अ जर्नी. क्योंकि ये सवाल ऐसे नहीं है जिनका आंसर ए बी सी ऐसे फटाफट आ जाएगा. इनका आंसर ऐसा है जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, गहन चिंतन करना पड़ेगा. बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ऑनलाइन कुछ सर्च करना पड़ेगा, बड़े लोगों से बात करना पड़ेगा, कुछ बच्चों से बात करना पड़ेगा. फिर आपके मन में कुछ एक सवाल के जवाब आने लगेंगे. और ये हमारा पर्पस था एंड दिस इज हाउ वी मेड आवर कॉमिक स्टोरीज. सो आई थिंक द फर्स्ट कॉमिक्स जो आपने देखी थी गाइज, उससे क्लोज अब कुछ भी नहीं है. नॉट इवन इन स्टाइल, नॉट इवन इन टॉपिक, बिकॉज वी थॉट कि हमें ऐसे टॉपिक नहीं रखने जिनका आंसर गूगल अवे हो. बट आपका कुछ पर्सपेक्टिव डेवलप हो, आप कुछ लाइक इट शुड स्टे विथ यू. लाइक इट, लाइक वी सेड इन आई थिंक इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ आइनस्क्रिप्ट, दैट इट शुड मेक यू थिंक. इट्स नॉट अ नोटबुक जिसमें आप अपने थॉट्स लिखो, इट ऑल्सो मेक यू थिंक. सो दैट वॉज द एम ऑफ द कॉमिक्स. एंड नाउ यू कैन लीव. Please thank you, Mohit, for writing the scripts. Yeah. And now, please like this video because she is doing a lot of hard work. Oh, geez, no. How camera conscious I am. So, yeah, this is tough, guys. सो हमने कैरेक्टर बना लिया विद डिस्टिंक्ट फीचर, हमने उसे हर तरह से घुमा के देख लिया कि सही दिख रहा है कि नहीं. हमने अब स्क्रिप्ट लिख ली है विद डायलॉग्स. सो अब आता है फोर्थ स्टेप विच इज नॉट एग्जैक्टली मेकिंग कॉमिक्स, बट उससे एक पहला स्टेप विच इज स्टोरी बोर्डिंग, विच इज बेसिकली कि अब ये डायलॉग्स तो लिख चुके हैं. सो मोहित इज रिटन लाइक 1-2 पेज भरी स्क्रिप्ट एंड नाउ आई हैव टू प्लेस दिस स्क्रिप्ट इन माई कॉमिक्स. लेकिन अगर मैं फाइनल बनाने बैठ जाऊंगी ना एकदम, तो मेरा भी टाइम वेस्ट होगा एंड इफ यू हैव टू मेक चेंजेस अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो द प्रोसेस ओवर हियर इज कि आप पहले रफ रफ पैनल्स बना के देख लो, रफ रफ प्लेस करके देख लो हाउ द स्टोरी विल फ्लो. स्टोरी के किस पार्ट में सिर्फ एक फेस दिखेगा, स्टोरी के किस पार्ट में तीनों फेसेस दिखेंगे, बिकॉज थ्री फ्रेंड्स आर टॉकिंग हियर. सो ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी फाइनलाइज कि किस पैनल में क्या आएगा. तो आप ये सब हमें पहले फाइनलाइज करना है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एक लिमिटेड स्पेस होती है, राइट? लाइक लोग यूजुअली ऐसे डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये 6 पैनल की कॉमिक है या ये 2 पेज की कॉमिक है, तो इसमें मेरे पास 10 पैनल है. तो हमें ये सब डिसाइड करना था. सो इन आर केस इट वॉज लाइक अ 2-पेज कॉमिक. सो आई जस्ट हैड टू प्लेस all of us there. So yeah, like let me show you a thumbnail over here. This is very basic. आपको character पूरे नहीं बनाने, बस outline बनाने के. Okay, ये यहाँ आ रहा है. इस scene में सिर्फ Momo और Sweat हैं. इस scene में तीनों एक साथ हैं. इस scene में हमें shot ऐसा लेना है कि main character बहुत एक important question सोच रहा है, तो उस पर emphasis चाहिए. So there is a scene where only half of a person's face is shown and then there is a big dialogue over there. So ये हो गई हमारी storyboarding.
बट इसमें मेरी एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि व्हेन यू डू द स्टोरी बोर्डिंग आई थिंक दैट्स नॉट इनफ. व्हाट यू हैव टू डू इन केस यू आर डूइंग दिस डिजिटली, लाइक यू आर डूइंग दिस ऑन योर लैपटॉप और योर आईपैड और व्हाटएवर, तो उसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले डायलॉग्स प्लेस करके देख लो कि कितने बड़े डायलॉग हैं, क्या फॉन्ट साइज में है, इज इट टेकिंग टू मच स्पेस, और उस स्पेस के हिसाब से फिर ये डिसाइड करो. बिकॉज आई रियलाइज दैट डायलॉग्स टेक लॉट ऑफ स्पेस. तो सिंस आई वॉज मेकिंग डिजिटली, मैंने ये डिजिटली ऐसे स्टोरी बोर्ड कर रखा है. अगर आप इसे डिजिटली नहीं बना रहे हो, आप पेन पेपर पे बना रहे हो, देन एटलीस्ट डू दिस कि आप पहले से ये सोच के रख लो और अपने डॉक्यूमेंट में मार्क करके रख लो दैट दीज थ्री डायलॉग्स आर टू बी सेड एक ही पैनल पे, या ये एक डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये सिर्फ एक कैरेक्टर के साथ उसके सर पर है, थिंग्स लाइक दैट. मतलब बेसिकली डिवाइड योर पैनल्स, डिवाइड योर डायलॉग्स एंड देन स्टार्ट द फाइनल ड्रॉइंग. And now we are at the last step, which is finalizing the drawing and more importantly, finalizing the background. I think हमने अभी तक background की बात नहीं करी. We've drawn the characters, but what about the background? Now, background में if we go deeper, there is knowledge of perspective, composition, ये सब required, but not really. I think background इतना भी loud नहीं होना चाहिए कि पूरा का पूरा ध्यान उसमें चला जाए, because in our case specially, हम कुछ बहुत ही important टॉपिक्स की बात कर रहे हैं इन आइनस्क्रिप्ट. सो बैकग्राउंड वॉज नॉट टू मच ऑफ इम्पॉर्टेंस फॉर अस. द कैरेक्टर और उनके डायलॉग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो वी कैप द बैकग्राउंड एकदम सटल. आई विल सजेस्ट दैट यूज references ओवर हियर एज मैनी एज पॉसिबल. सो फॉर एग्जाम्पल माई रेफरेंस एज आई टोल्ड यू इज दिस बुक. किसी की रेफरेंस ये बुक भी हो सकती है. सो द ईजिएस्ट वे इज ऑल्सो कि आप एक्चुअली इसमें से देख देख के कुछ कुछ एलिमेंट्स बनाने लगो. सो कैन बी यू स्टार्ट ड्राइंग अ सेम ट्री जिसमें जो इसमें ऐसी दिख रही हो, और कि इनकी वॉल कैसे बनी हो. आई थिंक उससे ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़ता है. सो यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ टेक्निकल ड्राइंग का नॉलेज, बट यू कैन जस्ट टेक रेफरेंस, स्टार्ट कॉपिंग 4-5 रेफरेंसेस से, कुछ पेड़ बनाओ, कुछ ये बनाओ, एंड देन ये सारे एलिमेंट्स मिलकर यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि बैकग्राउंड कैसे रखना है. बट इट जस्ट नीड्स टू हैव अ फ्यू एलिमेंट्स. कभी कभी तो इट डज नॉट नीड टू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो एग्जाम्पल, दिस इज अ सैम्पल फ्रॉम आइनस्क्रिप्ट का ही. यू कैन सी द बैकग्राउंड. सो आई डिड नॉट रिवील द डायलॉग, बट दिस इज मोमो थिंकिंग, एंड पीछे इसके बैकग्राउंड में एक सिटी का व्यू दिख रहा है फ्रॉम अ विंडो. लाइक दैट्स इट, दैट्स अ सिंपल बैकग्राउंड. सो दैट्स इट. यूज एज मेनी रेफरेंस एज पॉसिबल. रेफरेंस यूज करना बिल्कुल बुरी बात नहीं होती है. एंड आई थिंक योर कॉमिक्स इज रेडी. यू हैव मेड योर कैरेक्टर, यू हैव रिटन योर स्क्रिप्ट, यू हैव मेड द बैकग्राउंड, एंड I think you are good to go. I wish I could reveal Einscript ki comics to you, but I cannot because I want to, like, we want to keep that a secret. So these are some random scenes from the Einscript comics. Of course, the dialogues are hidden. But yes, I am so excited ki aap bhi apni kuch comics banao. Like, I think let's do this ki video ke, and like, I hope aapne kuch sikha ho. And now you can send us either Instagram pe or email pe. You can just send us aise 4-panel ke comics. Pick any topic you want, any story you want, and just try to show it in a comical style. And last question, just want to understand you better. कि मेरे ज़माने में तो मैंने चाचा चौधरी, टिंकल, ये दो कॉमिक्स सबसे ज़्यादा पढ़ी हैं, देखी हैं. आपके ज़माने में आपने कौन सी कॉमिक्स पढ़ी है? Which is your favorite nice childhood memory? Or which one are you reading now? Tell that in the comments. And if you learned something new, please let me know, because you know how camera conscious I am, so this was very difficult for me to do. But if you learned something, tell me, and I would love to see aapki comics. We will also feature it in our social media, in our newsletter. But send us, try to make a comics and send it to us. And I hope, jaise maine shuru mein promise kara tha, that you learned something new and you felt a little smarter after watching this video. And guys, please do like this video. Nipun ne badi mehnat kari hai. 2-4 दिन से सिर्फ इसी सिर्फ वीडियो के प्रिप में लगी हुई थी. एंड इफ यू लाइक हर इन दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब प्लीज. थैंक यू, बाय. साउंड, कैमरा, एक्शन, एक्शन. हाय गाइस. हे गाइस, हो गया. ओके.